हेलो दोस्तों दोस्तों आप हैं मेरे चैनल पे RKV स्मार्ट टिप्स पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कि कैसे आप बजाज फाइनेंस, जो बजाज फिनसर्व है, उनका कैसे आप, अगर आपका EMI बाउंस हो गया तो उसको पेमेंट कैसे कर सकते हैं दोस्तों, वो भी ऑनलाइन। दोस्तों मैं दो तरीके बताऊँगा कि वो आप कैसे पेमेंट उनको कर सकते हैं बिना उनके ऑफिस में जाएँ। दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और बेल आइकन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों सबसे पहले मैं पहला तरीका बताऊंगा दोस्तों, अगर ये आपकी EMI बाउंस हो गई है, बाउंस बेसिकली बाउंस करनी नहीं चाहिए, अगर अकाउंट में पेमेंट रखनी चाहिए तो, क्योंकि ये इससे सिबिल भी ख़राब होता है दोस्तों। अगर हो गई है, बाय चांस हो गई है, तो उसको पेमेंट कैसे करना है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पहला तरीका बताऊंगा दोस्तों। गूगल पे जाएं, ऑनलाइन करने के लिए गूगल पे जाएं, वहां पे लिखें गूगल पे बजाज फिनसर्व, सिंपल सा बजाज फिनसर्व लिखें, वो उनका पहला ही एक लिंक आ जाएगा, तो वहां पे क्लिक करके, जैसे मैंने अभी क्लिक किया, वहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। मैं डेस्कटॉप साइड कर देता हूँ क्योंकि मेरे को जैसे लैपटॉप में जब डेस्कटॉप पे दिखाई देता है वैसे ही मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले होगा। दोस्तों देखो मैंने ऑप्शन कर दिया, तो यहाँ पे करने के बाद मैंने मोर किया। मोर करने के बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ अकाउंट्स करना है। अकाउंट करने के बाद मैं बता देता हूँ यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पे नाउ, पे नाउ पे करके अपने यहाँ पे क्लिक कर देना पे नाउ पे। दोस्तों सर फर्स्टली आपको इसमें क्या क्या चाहिए होगा, आपका लोन अकाउंट नंबर, जो भी आपने लोन लिया है ना उसका एक अलग से अकाउंट नंबर होता है, लैंड नंबर बोला जाता है जिसमें, ये आपके मोबाइल के अंदर भी शो कर जाता है जब आपकी EMI कटनी होती है, और साथ में आपको और बजाज ऑफिस में जाके भी आपको आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों फर्स्टली जो बॉक्स है ना उसमें भी अपना लोन अकाउंट नंबर डालें और दूसरे बॉक्स में भी लोन नंबर डालें, और जो नीचे टैक्स दिखाई दे रहा है दोस्तों ये ऊपर तीसरे वाले बॉक्स में एंटर करते हैं दोस्तों। वेरीफाई करने के बाद वो आपको अमाउंट बता देगा कि कितनी आपने अमाउंट पे करनी है, तो उसके बाद आप इसको पे कर सकते हो बाय UPI, बाय अकाउंट, बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप इसको पेमेंट कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों ये तो हो गया पहला ऑप्शन, और दूसरा मैं ऑप्शन बताऊँगा, जैसे दोस्तों कि मैंने पहले ही आपको बजाज का जो वैलेट है, एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करना सिखाया था कल, तो दोस्तों वैसे ही आपने एक अपना डाउनलोड कर लेना है। उस वीडियो को जाके मैं आई बटन में आपको दे दूंगा कि कैसे आपने उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, और साथ में मैं इसमें बता देता हूँ कि आप इसमें कैसे आप पेमेंट कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने अभी 2 मिनट पहले किसी का पेमेंट करा है, ट्राई करा है कि कैसे आप पेमेंट कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों देखो ये आपका जब ओपन हो जाएगा, बजाज फिनसर्व का वैलेट ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे एक तीसरी लाइन पे ब्लैक सी लाइन पे लिखा हुआ पे यूअर बजाज लोन EMI। दोस्तों ये सिर्फ बाउंस EMI ही पेमेंट कर सकता है और कोई भी पेमेंट नहीं करेगा दोस्तों, जहाँ अगर आपने एडवांस करनी है वो भी नहीं कर पाएगा दोस्तों। दोस्तों देखो जैसे कि अभी मैं इनका बता दूं कि ये अभी मैंने लोन नंबर डाला था तो इनका पेमेंट कर दिया है, बट अभी इनका कोई पेमेंट नहीं है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले मैं ये बता दूं, यहाँ पे आपने फिर से वही लोन अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है। लोन अकाउंट नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे भी सेम ही ऐसे शो करेगा कि आपको पेमेंट किससे थ्रू करनी है, बट इसमें मैं बता दूँ इसमें ना क्रेडिट कार्ड से होगी, ना तो डेबिट कार्ड से होगी, ना UPI से होगी दोस्तों। इसमें क्या करने का, आपका मोबाइल जो इसमें वैलेट है इसमें आपने अमाउंट ऐड करनी है, जैसे मतलब कि मैं बता दूं यहाँ पे ऑप्शन बना हुआ प्लस वाला, यहाँ पे ऐड करके आपने अमाउंट ऐड कर देनी है, तो उसके बाद आप पे योर बजाज लोन EMI पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों आसानी से। दोस्तों आपको ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और लाइक कमेंट बॉक्स में बता दें कि अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है बजाज की तरफ से, तो मैं उसकी तरफ से भी मैं कोई और वीडियो बनाऊँगा जिससे आपको आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।